हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मंडी दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस कारण नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हैं। देखिए, भगदड़ वहां पर होती है जहां पर असुरक्षा का भाव होता है। हर कांग्रेस का नेता और यहाँ तक के कांग्रेस का कार्यकर्ता असुरक्षित महसूस कर रहा है और जिसकी वजह से वो हताश निराश हो करके जो है वो ऐसी स्थिति में है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के लिए विवश हो रहा है कि ना ही नेतृत्व पर विश्वास है, ना ही नेतृत्व में क्षमता दिख रही है। और ऐसे में कांग्रेस के पूरे देश भर में बहुत लोग पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, बड़ी संख्या में भाजपा में भी आ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति है। और हिमाचल प्रदेश की स्थिति को लेकर के भी कांग्रेस में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न है, नेता कौन होगा। और ऐसे में छोड़ते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। खर्चीले मुख्यमंत्री कैसे किए, मैंने कहीं कोई ऐसा खर्च किया है जैसे जिसको, देखिए मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ, स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में जो कार्य किए हैं, विकास कार्य किए हैं, उनका उद्घाटन करना, शिलान्यास करना, ये हमारा दायित्व है।